हमारे साथ में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया, बिकॉज आपका शेड्यूल में देख रहे कि बहुत व्यस्त है, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया। इसी से शुरू करते हैं, आप जितनी बेहतरीन तरीके से हाईवे निर्माण करते हैं, जब हम कहीं से गुजरते हैं, अभी मैं भी जब औरंगाबाद से नागपुर आई तो तारीफ ही करते हुए आई, क्या उतनी बेहतर तरीके से जीत का हाईवे भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महाराष्ट्र में तैयार हो गया सर? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमारी सरकार ने जो देश में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, और उसके साथ महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ काम किया है, उसके जनता के दिल में बहुत अच्छा परिणाम है। और अपना भविष्य बदलने के लिए भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की युति अलायंस अपना भविष्य बदल सकती है, लोगों में दृढ़ विश्वास है, और इस कारण हमारी निश्चित रूप से जीत होगी, मेजोरिटी आएगी और हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आपने बहुत पहले भी अलायंसेस में काम किया है और जो महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है वो भी अलायंस में है, लेकिन क्या ये एक अननेचुरल अलायंस है? शायद यही कारण है कि अजीत पवार के सुर लगातार बदल रहे हैं, कि अलग उनकी राहें दिखाई दे रही है। मैंने इससे पहले अजीत पवार का इंटरव्यू किया तो जो बटोगे कटोगे पे पूरी महायुति या बीजेपी का स्टैंड है उससे बहुत अलग अजीत पवार का स्टैंड है, और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने नवाब मलिक को टिकट दिया, 10% वोट भी हमारे साथ मुस्लिम का है, तो मैं कैसे बटोगे तो कटोगे पे अपना स्टैंड रखूं? आपको लगता है कि ये अननेचुरल अलायंस है इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं? अननेचुरल नहीं है, अगर हम सब 100% बातें अगर हमारी एक होती तो हम एक ही पार्टी होते, तो हम लोग अलग अलग कुछ बातों पर हमारी अलग मत है, अलग राय है, ये तो स्वाभाविक भी है। और इसलिए इसके बाद में भी जो बड़ा महाराष्ट्र के भविष्य को और विकास का कार्यक्रम है उसमें हमारे में यूनैनिमिटी है, एकवाक्यता है, और इसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप हमेशा काम की बात करते हैं, काम के मुद्दे पर ही आपने चुनाव जीते और आप फिर से सड़क परिवहन मंत्री बने, लेकिन क्यों महाराष्ट्र में कटोगे तो कटोगे इतना बार बार सर्कुलेट हो रहा है, क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है? और वो वर्क करेगा, पंकजा मुंडे ने खारिज कर दिया सर, मैं ये भी आपको बता दूं, कल ही खारिज किया कि कटोगे कटोगे यहाँ नहीं चलने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भारतीय है, हमारे में से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, और हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, और हमने एक रहना चाहिए, यही वो मैसेज है, और भारतीयत्व यही हिंदुत्व है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। हिंदू का मतलब है ना केवल मंदिर में जाने वाले नहीं, तो भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी सबकी एक है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, इसलिए आप जो अर्थ अभिप्रेत करते हो एंटी मुस्लिम का, वो उसमें नहीं है। हम जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर हम भारतीय संस्कृति के पाइक है, हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत एक है, और हम सब एक है, हमने बटना नहीं चाहिए, और आतंकवाद के खिलाफ हमने मिलकर लड़ना चाहिए, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, और देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा को सुरक्षित रखना चाहिए, ये वो भाव है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। यस, भारतीय का अर्थ सभी होता है, और हिंदुत्व इसकी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन की है वो है ये वे ऑफ लाइफ, और जहाँ तक आप अगर समझेंगे तो हिंदुत्व, हिंदू ये धर्मवाचक शब्द नहीं है, ये सिंधु से लेकर यानी जो जो सिंधु से लेकर हमारे आए वो सब हिंदू है, ये भाव उसके पीछे है। तो मुझे लगता है क्या है कि हमारे यहाँ कुछ गलत परसेप्शन हुआ है, बट जैसे ओएसीसी और ये इसको इसी तरीके से पोर्ट्राइज कर रहे हैं बार-बार। ये तो गलत बात है ना, सेकुलर शब्द है, इसका इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सर्वधर्म समभाव। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत से परसेप्शन में ऐसी कुछ बातें एक्सटैब्लिश कर देते हैं कि जो बात हमने की वो एंटी मुस्लिम है, ऐसा अर्थ निकाला जाता है, वो बराबर नहीं, वो ऐसा नहीं है। सर, सीएम को लेकर भी बड़ी हुआ है, अजीत पवार से जब हमने सवाल पूछा था कि आप क्या सीएम बनने की इच्छा रखते हैं, तो बोलते हैं कि देखिए क्लर्क भी प्रमोशन की इच्छा रखता है, तो मैं क्यों ना रखूं, उन्होंने मुझसे खुद ये बात बोली। क्या ऐसा आप मान के चल रहे हैं कि अगर चुनाव में महायुति को बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली तो देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर हम पोर्ट्रे करेंगे, या एक नेशन देंगे? इसको सीएम बनाना नहीं बनाना ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, अब उसका निर्णय होगा। आप बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फिर भी फ्यूचर के बारे में कुछ पूछते हैं, उद्धव ठाकरे से अब तो नहीं बनी,
लेकिन अगर ऐसा हुआ, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छी सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं मिली जितनी उद्धव ठाकरे के खाते में गई, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे उद्धव ठाकरे फिर से मन बदले या बीजेपी का मन बदले और साथ में आप लोग आए, क्योंकि पुराना लाइन्स रहा है, दिल तो मिले हुए सर अभी भी? ऐसा कि पॉलिटिक्स के बारे में और कौन कब क्या भूमिका लेगा ये वही बता पाएंगे, वो भूमिका क्या लेंगे ये मैं कैसे बता पाऊंगा। कुछ देख पा रहे हैं सर धुंधली सी तस्वीर, अगर कुछ दिख रही हो संभावना फ्यूचर की, क्योंकि आपके सबसे अच्छे संबंध है, सब आपके यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डिनर करते हैं। भविष्य जानने वाले में से थोड़ी हूँ, नहीं ऐसा मैं तो नहीं बता पाऊंगा, पर ये भविष्य में क्या क्या होगा ये भविष्य ही बता सकता है। विदर्भ के बारे में क्या कहेंगे सर, लोकसभा चुनाव में डेंट लगा बीजेपी को, क्या इस चुनाव में भरपाई हो पाएगी? और विदर्भ बहुत कुछ तय करता है कि मुंबई में कौन बैठेगा, और मराठा आरक्षण बड़ा गले की फांस है हर पार्टी के लिए इस वक्त। इस बार विदर्भ में भी हमारी अच्छी जीत होगी, हमें सीटें मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है। किसानों की नाराजगी दूर हो गई है सर, सोयाबीन के किसान जो नाराज थे। आज विदर्भ में हमने जो अनेक योजनाएं चलाई भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार ने चलाई, उन सब योजना का अच्छा इम्पैक्ट है, और हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, कभी ये एक लगातार प्राइस की एक ऐसा ही एक ये होता है कि कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये चलते रहता है। अभी मक्के का भाव बढ़ गया, तो क्रॉप पैटर्न उस हिसाब से रखना चाहिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई में किसका शॉर्टेज है किसका सरप्लस है, तो उसके परिणाम थोड़े बहुत परमात्मा होते ही रहते हैं। मनोज जा रहे हैं, कोई फैक्टर है? क्योंकि अभी कल भी हम लोग औरंगाबाद के आसपास थे, वहां पर भी मराठा आरक्षण को लेके है नाराजगी, और वो निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लग रहा है निर्दलीय खेल कर देंगे, मराठा आरक्षण प्रॉब्लम है एक सर। विदर्भ में तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इधर की तरफ वहाँ मुझे लगता नहीं, महाराष्ट्र ये बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज की विरासत को लेकर चलने वाला प्रदेश है, और यहाँ जात के आधार पर बहुत ज़्यादा लोग मतदान करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि विकास के लिए गांव गरीब मजदूर किसान के हित के लिए लोग मतदान करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप कह रहे हैं सर अलायंस में सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक होना भी चाहिए, लेकिन नवाब मलिक को लेकर इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर महायुति में सब कुछ ठीक है तो एक ही जगह पे दो दो कैंडिडेट्स एक ही, जबकि अलायंस एक ही है, फिर भी उतर जाते हैं, तो ये तो सर बाहर साइन जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है सर। अभी इन सब बातों के बारे में मैं तो महाराष्ट्र में ज़्यादा इधर सक्रिय नहीं हूँ, प्रचार अभियान में हूँ। देवेंद्र जी या अजीत पवार दोनों आपको इसके डिटेल बता सकते हैं। बात तो आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं है बेबाक नेता कहे जाते हैं, बात तो आप भी करते होंगे इस बात में, ऐसा नहीं है? नहीं, पर अभी अधिक रूप से वो हैंडल कर रहे विषय को, वो आपको निश्चित रूप से भूमिका बताएंगे। 288 में से कितना प्रेडिक्शन? पूरी फुल मेजोरिटी अच्छी ताकत के साथ हम चुनकर आएंगे और हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास। सर कुछ लोगों ने ये फैलाने की कोशिश की कि नितिन गडकरी जो देवेंद्र फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी दिखा, ऐसा है? क्लियर आपसे पूछ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को तो मैंने ही राजनीति में लाया, दोनों नागपुर, लेकिन विरोधी ये मैसेज पूरा देते हैं। वो तो कुछ ना कुछ चुनाव के समय लोगों को गुमराह करना, कंफ्यूज करना, ये विरोधी करते रहते हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, और मैं अपने पार्टी के प्रचार के लिए करीब 65-70 सभाएं ले रहा हूँ, रोज 8-8 सभाएं लेके घूम रहा हूँ, और निश्चित रूप से जीत के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार का नागपुर में, आपके नागपुर में थे, एक बयान आया बड़ा विवादित बयान, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी को लेकर बोला, मैंने आपको बताया भी, उस पर रिएक्शन आपका, ऐसी टीका टिप्पणी क्या जरूरी है राजनीति में? दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की बातों को करना, ये राजनीतिक स्तर को नीचे लेके जाना अच्छी बात है। आखिरी सवाल, आपने फिर कहा सेक्युलर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि बटोगे तो कटोगे से मुस्लिम आपसे छट जाएगा, और मुस्लिम का वोट भी तो इतना इम्पोर्टेंट है? सही अर्थ अगर हम लोगों को बताएंगे तो ये अड़चन नहीं आएगा, ये मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के विरोध में नहीं है। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमारे इतिहास संस्कृति विरासत एक है, हम सब भारतीय है, भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है, और राष्ट्रीयत्व यही हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ये ब्रॉड कंसेप्ट है। तो आपको मुस्लिम वोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? हमको सबके वोट चाहिए, जीतने के लिए सबका वोट चाहिए, तो बटोगे कटोगे पे ध्यान ना दिया जाए, वो सबके लिए, उसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, इतनी सभाएं कैसे कर लेते हैं सर, इतनी एनर्जी कहाँ चलाते हैं इसी?
सब यही पूछते हैं। मेरे को बोला गया, सबने बोला, जब मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू करूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं पूछना सर से कि सर बीमार भी हो जाते हैं फिर भी निकल जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे सर? देखिए मैं रोज 2 घंटा ऐसा बताइएगा तो मैं भी अप्लाई कर सकूँ और लोग भी अप्लाई कर सके। 2 घंटे मैं व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, आज भी सुबह करके निकला हूँ, जिसके कारण मैं ये काम करता हूँ। कुछ खास डाइट डाइट कम करता हूँ, पर खाना मेरी पैशन है। अच्छा, खाना इम्पोर्टेंट है, डाइट कम नहीं कर सकता हूँ। नहीं कम करता हूँ, मेरा वजन एक समय 135 किलो था, अब 90 किलो। सर आपने बता दिया, कोई महिला होती तो नहीं बताती वजन। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नितिन गडकरी जी, जो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं हाईवे देश भर में बनाना चाहता हूँ, वैसे ही यहाँ पर भी महायुति महाराष्ट्र में जीत का हाईवे जरूर तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सपना शुक्ला, न्यूज 18 इंडिया।